बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सालार खान हूं और आज क्या करेंगे जी, आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो चले स्टार्ट लेते हैं जी। हेडिंग में देता हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फिजिक्स फर्स्ट ईयर, ठीक है। चले जो भी है बस न्यूमेरिकल्स काफ़ी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 भी चले साथ में लिख ले, चले फिजिक्स 1 भी साथ में लिख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। नंबर 1 है, अ सर्कुलर पिज्जा इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, वन पीस इज टेकन आउट, एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस एंड देन ऑफ द रेडियंस, व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पिज्जा। क्वेश्चन आप जरा बुक से पढ़ लें गौर से, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक सर्कुलर पिज्जा है, ठीक है जी। पिज्जा तो सर्कुलर ही होता है आप कहेंगे, लेकिन चलिए एक पिज्जा है आपके पास और आप क्या करते हैं, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चले 3 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक हो गया जी। ये हो गए आपके 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक हो गया। एक मेरा हो गया, एक आपका हो गया, तीसरा जिसको आप देते हैं, तो ये छोटा है ये किसी और को दे देंगे, बड़ा वाला मेरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये इधर छोटा बड़ा है, आपने इक्वल पार्ट्स में इसको कट किया है। अब कह रहे हैं कि ये जो एक पार्ट एंगल बना रहा है, अब देखिए ये एक पार्ट है कि नहीं है, ये एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका ये जो एंगल है ये कितना है, लेट्स से मैं इसको थीटा 1 कहता हूं, और ये आपसे डिग्रीज में भी पूछा हुआ है और रेडियंस में भी पूछा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा तो चले 360 को आपने कितने में डिवाइड किया है, 360 वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसको आपने यानी 360 डिग्रीज को आपने 3 पे डिवाइड किया, तो यू हैव 120 डिग्रीज, जिसका मतलब ये जो एक पार्ट का एंगल है थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ये डिग्रीज में है। अब रेडियंस में आप इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि 2 पाई रेडियंस, हमने पढ़ा था कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज और 1 डिग्री, तो इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पर 2 पाई को 360 को, सॉरी, तो 2 और 180, तो पाई अपॉन 180 रेडियंस आ जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे 120 डिग्रीज चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 120 डिग्रीज इज पाई अपॉन 180 इनटू 120, और इससे जो भी आता है तो वो आप इधर लिख ले, और वो है मेरे ख्याल में इधर मैंने अपने लिए सॉल्व किए हैं 2.09 रेडियंस। ये एक एंगल है। अब कहते हैं कि आपने इस एक पीस को बाहर निकाल दिया, इस एक पीस को मैंने निकाल दिया इसमें से, यानी आप अपना वाला खा गए। अब कह रहा है कि इन दो पीसेस का एक दूसरे के दरमियान क्या एंगल है, तो एक बाउंड्री ये है और दूसरी ये है, तो क्या इन दोनों के दरमियान एंगल ये नहीं है, बिल्कुल है। इसको मैं कहता हूं थीटा 2 कहता हूं, चले कह देते हैं। तो वो तो आपको पता भी है कि 120 आपने निकाल दिया, तो बाकी कितना बचेगा, थीटा 2 वुड बी इक्वल टू 360 माइनस 120, ये आपने निकाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 240 डिग्रीज जो है बाकी रह गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अगेन और 240 डिग्रीज इज इक्वल टू, तो 240 को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज के साथ, पाई अपॉन 180 के साथ, और इससे जो आंसर आएगा वो इसका रेडियन में आंसर है, और वो है जनाबी अली 4.19 रेडियन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, समझ आ गई जी, बिल्कुल आ गई। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1.5, द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब देखिए एक गलती आपको बजाहिर जो नजर आ रही है इधर, वो यही है कि इधर 1 डेसिमल प्लेस तक रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अनसर्टेनिटी में 2 डेसिमल प्लेस है, ये गलती है इधर, लेकिन चले हम इसी को लेके और आगे प्रोसीड करते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन जी, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। अनसर्टेनिटी को हम आखिर में देखेंगे, सबसे पहले इधर वैल्यूज पुट करें 2 पाई
under the root 1.5 upon 9.8, which is equal to 2 pi multiplied with what? इधर मैंने अपने साथ लिखा हुआ है, चले जो भी है 2.485 इधर से डायरेक्टली आता है 2.485, ठीक है। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं 2.5 तक, ठीक होगा। ये इसका टाइम पीरियड आ गया 2.5 सेकेंड्स। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो अनसर्टेनिटी में देखिए, अब इधर दो रूल्स यूज होंगे, एक आपका पावर वाला रूल, क्यों, क्योंकि इन दोनों के ऊपर पावर है, और दूसरा फिर डिवीजन वाला रूल, ठीक होगा। तो वो दोनों जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कितनी होगी, 0.01 अपॉन 1.5। इसको आप देखिए तो ये 0.00 और 666 तक समथिंग आता है, ठीक है जी। तो देखिए, आप डिवीजन रूल आपने अप्लाई करना है इधर, तो इधर जो है वन सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर दो है, तो आपने इसको वन तक डिस्ट्रिक्ट करना है, तो इस 66 को ड्रॉप करना है, तो ये आपका 0.007 बन जाएगा, या फिर 7%, ठीक हो गया जी। सिमिलरली जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में होगी, वो होगी 0.1 अपॉन 9.8। इसको भी आप सही तरीके से लिखेंगे तो 0.01020 समथिंग आएगा, 0.010 जी, 0.01020 समथिंग है। एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, वन तक राउंड ऑफ करें, दिस इज इक्वल टू 0.01 लेस है, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 1% मल्टीप्लाई करें 100% के साथ। अब जो टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी जी, तो आपने इसके ऊपर सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है। तो पावर रूल क्या होता है, इसके ऊपर 1/2 है पावर, अंडर द रूट 1/2 होता है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी किस चीज के साथ, ये जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगी, और सिमिलरली जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जी में है उसको भी मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, क्योंकि इस पर भी पावर 1/2 है, ये नीचे वाली अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब ये डिवाइड हो रहा है इस पर, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल टू डिवीजन रूल ऐड होंगी, तो इसका मतलब आपने इसको ऐड कर देना है, जिसका मतलब हुआ के जो 7 है उसको आप डिवाइड करें 2 पे, 1 को डिवाइड करें 2 पे, तो 3.5 प्लस 0.5 इज 4%, 4% आती है। मैं जरा चेक करता हूं, नहीं ये एक्चुअली ये 0.7% है, सॉरी ये 0.7% आएगा, हाँ हाँ ये गलती हुई है थोड़ी सी, 0.7% है। तो 0.7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है जी 0.35, और प्लस 0.5 तो ये कितना आ जाएगा, 0.4% आ जाएगा, नहीं 0.85% आ जाएगा, सॉरी 0.85% सॉरी। तो जो है टाइम पीरियड में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, 0.85%, जिसका मतलब अगर टाइम पीरियड आप लिख के तो वो होगा कितना, 2.5 सेकेंड प्लस माइनस 0.85%। परसेंटेज को आप वापस भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है वो होती है अनसर्टेनिटी अपॉन मेजर्ड वैल्यू, तो अनसर्टेनिटी वुड बी द परसेंटेज मल्टीप्लाई द मेजर्ड वैल्यू, जिसका मतलब 0.85% है तो डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई मेजर वैल्यू 2.5 है, इससे क्या आता है, इससे आता है 0.02। तो ये आप और इस तरह भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड प्लस माइनस 0.02 सेकेंड्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिटरमिन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट विद द लेंथ, आपको गिवन है नंबर 3, लेंथ इज इक्वल टू l प्लस माइनस डेल्टा l, आपको गिवन है अनसर्टेनिटी के साथ 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर, और जो विड्थ है वो आपको गिवन है अनसर्टेनिटी के साथ 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर, और आपने कैलकुलेट करना है एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी अनसर्टेनिटी के साथ,
ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, एरिया मालूम करें जी। एरिया क्या होगा? सिंपली होगा लेंथ को मल्टीप्लाई करें विड्थ के साथ, यानी 1.50 को मल्टीप्लाई करें 0.20 के साथ। तो क्या आता है, मैंने इधर सारे सॉल्व किए हुए हैं, 0.3 आता है जी, 0.3 मीटर स्क्वायर। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें दो है, तो इसमें भी दो होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो एक है, तो मैं एक जीरो लगा देता हूँ राइट साइड पे, 0.30 मीटर स्क्वायर मैं इसको लिखता हूँ। सिमिलरली अनसर्टेनिटी, अब ये प्रोडक्ट रूल है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज अगेन ऐड होंगी। तो सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे लेंथ में, जो कि होगी 0.02/1.50 and this would be equal to 0.013 या this is equal to 1.3%, और इसमें आपके पास होना चाहिए एक significant digit, तो this is equal to 1%, 3 को मैं ड्रॉप किया because it's less than 5. Similarly percentage uncertainty जो width में होगी वो होगी 0.01/0.20, और ये क्या आता है, किधर है जी, 0.05 या फिर 5%। अब देखिए इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें दो है, तो इसमें भी एक होना चाहिए, 0.01/0.20, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो है, इसमें एक होना चाहिए, 5% सही, 5% सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो है, तो आंसर में एक होना चाहिए। अब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, तो ऐड करें जी, और वो होगी फाइनल अनसर्टेनिटी, जिसका मतलब एरिया में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो होगी जनाब अली 5+1% which would be equal to 6%, और आप जो है अगर सिंपल अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो 6/100 को मल्टीप्लाई करें 0.30 के साथ। Why? Because uncertainty is the measured value multiply the percentage uncertainty and that is 0.02. तो जो आपका एरिया है वो आप लिख सकते हैं, that is 0.30 meter squared ±6%, और एरिया इज 0.30 ±0.02 whole meter square। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आखिर में आता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, कैलकुलेट द आंसर टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको गिवन है जी 1.67 × 10⁻²⁷ kg ये प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1096 × 10⁻³¹ kg। तो रेशो है, ये रेशो लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस हो जाएगी, kg kg के साथ कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले जी डिवाइड करें, 1.67 को डिवाइड करें 9.1096 पर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा 0.18332, और फिर इंटू 10⁻², तो देखिए ये −27 पहले से है, और ये −31 ऊपर जाएगा तो +31 बन जाएगा, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि +4 आ जाएगा, और अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को आपने नहीं भूलना। तो ये है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 है, इसमें कितने हैं, ज्यादा है, आपको आंसर में 3 होनी चाहिए, यानी इस 32 को मैंने ड्रॉप करना है, तो ये लेस देन 50 है, डायरेक्टली ड्रॉप कर दीजिए, इसका मतलब 0.183 × 10⁴, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी किस्म का है जी, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशियो है, तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना होता है, 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम्स होता है, और डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर रिटर्न है 9.1096 × 10⁻³¹ kg, तो डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें, आता है 0.175638 × 10⁻³, कितना आएगा, −19, और ये 31 ऊपर जाएगा तो +31,
सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स, तीन ऊपर नीचे कम है तो तीन तक राउंड ऑफ करें, देखे तीन तक करना है, फाइव को रिटेन करना है, 638 ग्रेटर देन 500 है, लास्ट वाले को वन ऐड करें, 0.176 इंटू 10 टू द पावर 31 में से 19 निकाले कितने आते, 12 आते। लेकिन अब क्या करें कि इसको जरा साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस करें। ये मैंने कहीं पे गलती की है यार, अच्छा एक मिनट, ये इसमें 7 नहीं है, ठीक है, अच्छा इसमें 7 हमें गिवन नहीं है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 है, बुक में जरा चेक करेंगे, जी ये 7 मुझे गिवन नहीं है, तो इसको मैंने दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, जिसका मतलब 7 तक, फिर भी ये ग्रेटर है जी, तो ये 0.18 बन जाएगा, ठीक है 0.18। और या फिर अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो ये बन जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर, पावर को आगे लेके गए तो डेसिमल पीछे आ जाएगा, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। सिमिलरली यहीं पर भी, यहां पर भी आप अगर साइंटिफिक नोटेशन को प्रॉपर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 1.83 इंटू 10 टू द पावर, तो अगेन 3, 1.8 × 10⁻³, बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था जी, जिसके ये ए और बी पार्ट्स थे। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये इसका बी पार्ट है। अच्छा इसका यूनिट होगा, ठीक है, कूलम्स पर किलोग्राम। नंबर 6 में है डायमेंशंस आपने फाइंड करनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की डायमेंशन, E is equal to HF equation से, E is equal to HF से H की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, द सेम एज वर्क। वाई? बिकॉज वर्क इज द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो वर्क की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, इधर मैं लिखता हूं, चलिए वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है कि नहीं होता, बिल्कुल फोर्स क्या होता है, एम ए होता है इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो एम हो गया किलोग्राम हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और ये डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये वर्क और एनर्जी की है, टॉर्क की भी यही है, तो इसका मतलब है कि एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू लेफ्ट साइड पे है और एच राइट साइड पे, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/ टाइम पीरियड, इसका मतलब है कि 1/ टी जो है इसका डायमेंशन है या टी इनवर्स, तो टी इनवर्स इसका डायमेंशन है, तो इधर टी इनवर्स लिख के, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्स ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एच की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन आ जाएगी। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, आपने ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि जो है ये है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो होगी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, तो यानी फोर्स की तो डायमेंशन आपको पता है ना जी, तो जी की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन आपको पता है एम एल टी पावर माइनस टू है, फिर एक एल स्क्वायर एक दूसरा है आर स्क्वायर की वजह से, और नीचे एम स्क्वायर एक और है, तो इसका मतलब जो जी की डायमेंशन हो गई वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितनी हो जाएगी जी, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, बिल्कुल इस तरह होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू बिल्कुल होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 7 नंबर क्वेश्चन देखें, शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर्ड, 7 नंबर क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर्ड को शो करना है, तो देखें एनर्जी चाहे जो भी एनर्जी, मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन देखें क्या आती है जी, एनर्जी एनर्जी होती है, वही डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, सही है जी, अब हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, एम की डायमेंशन एम है, वी क्या होता है एल टी इनवर्स होता है कि नहीं होता, मीटर पर सेकेंड, और इस पर पावर स्क्वायर है, तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, देखे दोनों साइड सेम आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पोटेंशियल एनर्जी को शो करें कि ये होता है एम जी एच, तो डायमेंशनल एनालिसिस करें, लेफ्ट साइड पे वही एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू होगा, ये देखे m है, ठीक है किलोग्राम m है मास, g जो है एक्सेलरेशन है, तो l
टी पावर माइनस टू है और इसके हाँ एल टी पावर माइनस टू है और इसके बाद एच जो है वो दोबारा एक एल है, लेंथ है, ठीक है। तो इसका मतलब एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ये भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और अगेन ये फॉर्मूला सही है। अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन नंबर फोर छोड़ा था जी, उसके कुछ पार्ट्स हैं, चले जल्दी जल्दी करते हैं। नंबर फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका पार्ट नंबर ए क्या कह रहा है, कह रहा है जी ऐड करें 262.24 246.24 प्लस 238.272 और 98.3। तो सबसे पहले तो ऐड करें इन सबको, तो 2 7 और 4 11 2 2 4 5 और 8 प्लस 8 और 8 16 और 6 22 4 और 9 10 11 12 13 14 और फिर ये 4 18 और फिर ये 5 5 8 2.812। ये मैंने इधर सॉल्व किए हुए यार, मैं वही से जल्दी जल्दी करवाता हूँ फिर 5 8 2.812.818 इधर मैंने लिखा हुआ है 246.24 238.278। चलिए 8 करें, चलिए 8 कर देते हैं। तो देखिए रूल आपको आना चाहिए, एडिशन रूल है, प्रिसीजन पे डिपेंड करेगा। सबसे कम डेसिमल प्लेस इधर है 1, इसमें भी 1 होना चाहिए। आपने ड्रॉप करना है जी 18 को, ये लेस देन 50 है, डायरेक्टली ड्रॉप करें। इसका आंसर लिख के 582.8 सही है जी, बिल्कुल सही है। बी नंबर पार्ट लिख के जल्दी से, बी नंबर पार्ट क्या कह रहा है, बी नंबर पार्ट है 1.4 मल्टीप्लाई 2.639 बी 1.4 मल्टीप्लाई 2.639 और प्लस 117.25। अच्छा अब देखिए इधर, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आती है, तो मल्टीप्लाई करें जी 1.4 को 2.639 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी 3.6946। अब इधर आप परवाह ना करें डेसिमल प्लेस की, आपने बुक ने कहा है कि राउंडिंग ऑफ आप एंड पे करें और इसके साथ ऐड करें 117.25। अब इसके ऊपर हम फैसला करेंगे, आंसर आता है जी 120.9146। अब देखें इस एडिशन के ऊपर आप फैसला करें, तो इसमें टू डेसिमल प्लेस है, फाइनल में टू डेसिमल प्लेस होना चाहिए, 46 को ड्रॉप करना है, लेस देन 50 डायरेक्टली ड्रॉप करें, 120.91 आता है। आपके बुक के साथ ये मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूं, फिर बाद में बताता हूं। सी नंबर लिख के जरा 2.66 × 10⁴, सी नंबर लिख के 2.66 × 10⁴ और माइनस 1.03 × 10�³। अच्छा अब क्या करें, तो 10 की पावर तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम होनी चाहिए, इधर तो सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, या तो इस 4 को 3 बनाएं या फिर इस 3 को 4 बनाएं। बेहतर यह है कि स्मॉल पावर को लार्ज पावर में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट स्मॉल टू लार्ज, तो कंफ्यूजन से आप जरा बच जाएंगे। यानी कि 2.66 ये तो सही है, 2.66 × 10⁴ तो सही है, 1.03 को करें तो माइनस क्या आ जाएगा, इसको मैंने 10⁴ बनाना है, पावर को आगे लेके जाऊंगा डेसिमल प्लेस पीछे आएगा, इसका मतलब ये 0.103 बन जाएगा कि नहीं, × 10⁴ बिल्कुल बन जाएगा, 0.103 × 10⁴ ये बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें जी, इधर 0 लगाएं, इधर क्या आएगा जी 10 में से 3 निकाले 7, फिर जो है 5 में से 0 निकाले 5, 6 में से 1 5, 2.557 आता है कि नहीं आता, चेक आप साथ साथ में करता रहा करें, ठीक है। बिल्कुल 2.557 और × 10⁴। अब देखें अब क्या करना है आपने, कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें डेसिमल प्लेस को देखेंगे, तो इसमें देखें इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस थे, इसमें 2, इसमें भी 2 होने चाहिए, 7 को आपने ड्रॉप करना है, तो इसका आंसर आप देखें 2.56 × 10⁴। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ये भी सही है। डी नंबर पार्ट क्या कहता है, जरा जल्दी से करें यार, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हमने ले लिया है। डी नंबर पार्ट कहता है कि 112 मल्टीप्लाइड विद 0.456 डिवाइडेड बाय 3.2 मल्टीप्लाई 120
120. तो इससे क्या आएगा, इससे आता है जी मल्टीप्लाई करें 51.072. अब इसमें आप फिक्र ना करें, आपकी बुक ने कहा है डू द राउंडिंग ऑफ एट दी एंड और डिवाइड करें, इससे आता है 384. अब फाइनल जो इसमें आंसर आएगा वो है 0.133. अब देखें इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें पांच है, फाइनल आंसर में तीन होने चाहिए जो कि आंसर सही है. आंसर सही है लेकिन आपकी बुक के आंसर के साथ ये मैच नहीं हो रहा और उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूं, मैं आता हूं बाद में. ठीक है, ई नंबर पार्ट ये तो आसान है ना यार, 168.99. ई नंबर मैं इधर लिख रहा हूं 168.99 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाइड विद 9 क्या आता है जी, जरा करें कैलकुलेटर से करें 1520.91 1520.91. अब देखें इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट एक है, फाइनल आंसर में एक होना चाहिए. 10 की पावर इस्तेमाल करें, डेसिमल को इधर लेकर आए 1.52091. तीन डेसिमल प्लेस पीछे गए हैं 10 टू द पावर 3. इस सब को ड्रॉप करना है. ग्रेटर है कि नहीं है, बिल्कुल है. तो ग्रेटर है ना 50,000 से, तो लास्ट रिटेन डिजिट प्लस 1, तो 2×10^3 या फिर 2000 इसका आंसर हो जाएगा. सही होगा जी, वन सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ. 10^3 तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना, और ना ये जीरो टू द राइट है क्योंकि डेसिमल नहीं है. आखिरी एफ नंबर है 1023 प्लस, ये सिंपल एडिशन की तरह से आ गया, 1023 प्लस 8.5489. तो सबसे पहले तो ये 0.5489, 8 और 3, 11, 3, 0, 1, 0, 3, 1.4, 4, 9. ठीक है, अब इसमें डेसिमल प्लेस नहीं है तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए. इसको ड्रॉप करना है, देखिए ग्रेटर देन 5000 है तो लास्ट डिजिट के साथ ऐड 1 करें, इसका मतलब 1032 इसका आंसर है. अच्छा, इसमें मसला बी और डी नंबर पार्ट में था. बी में जो आंसर आ रहा है वो 120.9 है. बी में एक मिनट, मैं जरा ये कलर्स चेंज कर लूं. बी में जो आपको आंसर शो कर रहा है वो 120.9 है और जो डी में आपको आंसर शो कर रहा है वो 0.13 है. अच्छा, अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 19 पर आके देखें तो इधर आपको एक टिप गिवन है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि इन अ सीरीज ऑफ कैलकुलेशंस, यानी कि मल्टीपल कैलकुलेशंस हो जिस तरह ये एग्जांपल्स है, तो उनमें डू द राउंडिंग ऑफ एट द एंड टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी स्टेप वाइज ना करें. ठीक है, तो हमने अपने बुक के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसको किया इस तरह, लेकिन यानी राउंडिंग ऑफ हमने आखिर में की लेकिन इसका आंसर सही नहीं आ रहा. अब चलिए, बुक में भी गलती हो सकती है लेकिन हम ट्राई करते हैं कि अगर हम स्टेप वाइज करते हैं तो फिर क्या आता है. अगर मैं इधर लिखता हूं स्टेप वाइज, यानी कि पहले 1.4 को 2. इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3.6946 आया. तो इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें चार है तो फाइनल आंसर में दो होने चाहिए. इसको मैं राउंड ऑफ करता हूं टू 3.7 और ऐड करता हूं 117.25. अब देखते हैं कि इससे क्या आता है. तो ये 5, 7 और 2, 9 और फिर 7 और 3, 10. ठीक है, 1 और 1, 2, 120.95. अब देखें इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 है, फाइनल आंसर में 1 होनी चाहिए. 5 को आपने ड्रॉप करना है. ठीक है, लास्ट रिटेन डिजिट ऑड है तो इसके साथ आप 1 ऐड करेंगे, इसका मतलब इससे 121 आ जाएगा जो कि अगेन आपके बुक के मुताबिक सही नहीं है. ठीक हो गया. अच्छा, सिमिलरली अब मैं ये वाला सवाल करता हूं, अगर इसमें भी मैं स्टेप वाइज करता हूं डी में,
ये बी था और जो डी है इसमें अगर मैं स्टेप वाइज करता हूं तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं ये आता है। अब इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन होने चाहिए। इसका मतलब इसको मैं राउंड ऑफ करता हूं 51.72 जो है ग्रेटर देन 50 है, तो लास्ट डिजिट के साथ 1 ऐड करें 51.1 डिवाइड बाय। अब 3.2 120 को मल्टीप्लाई करें 384, इसमें भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें भी दो होने चाहिए। 4 को ड्रॉप करना है, ड्रॉप करें 380 आ जाएगा, ये 380 ठीक हो गया। अब जरा करें डिवीजन, ये मैंने इधर की हुई है, क्या आंसर आता है जी 0.1344 0.1344 7365 जो भी है यार। चले अब इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें दो है, इसमें भी दो होनी चाहिए। 3 तक मैंने रिटेन करना है, बाकी ड्रॉप करना है। देखिए ये लेस देन है जो आपका स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब ये 0.13 जो कि आपके बुक में भी 0.13 है, आपके बुक में भी 0.13 है। अब देखिए आपकी बुक ने जो आपको प्रोसीजर दिया था कि आप इसको राउंड ऑफ करें फाइनल रिजल्ट में, तो उस पर बी वाला ऑप्शन गलत आ रहा है, ठीक है ना, और स्टेप वाइज पर भी ये बी वाला आंसर गलत आ रहा है। और अगर आप डी की बात करें तो वो बुक वाले प्रोसीजर पे तो गलत आ रहा है लेकिन स्टेप वाइज पे वो सही आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं हाँ, बुक पेपर में तो मुझे बुक का आंसर पता नहीं होगा ना, तो आप इस तरह करें कि स्टेप वाइज को प्रेफर ना किया करें, जरा मल्टीपल जो है अपने लिए क्वेश्चंस ले उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, मगर प्रेफर आप ये स्टेप वाइज को ना किया करें। मैं इधर लिखता हूं डोंट प्रेफर, क्योंकि ये बात सही बाज़ोकात सही आता है, बाज़ोकात गलत आता है, ये शायद बुक में गलती हो, ठीक है। स्टेप वाइज को आप प्रेफर ना करें, आप सीरीज ऑफ कैलकुलेशन सारे करें और राउंडिंग ऑफ फिर आप आखिर में करें। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जी, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी पता नहीं किसी भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।